नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग और वेजिटेबल प्लांट्स के साथ साथ आपको औषधीय पौधे के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ऐसे पौधे बारिश की सीजन में आपको हर कहीं मिल जाएंगे। ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे गिलोय के बारे में आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में दिखाऊंगा। इसको कैसे पहचानते हैं, इसके फायदे क्या क्या है और इसे कैसे उगाते हैं, साथ में इसका प्रयोग विभिन्न रोगों में कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। गिलोय, गलूची या फिर गड़ों के पत्ते कुछ इस तरह के पान के पत्ते जैसे होते हैं। इस पान के पत्ते का पीछे का कलर कुछ इस तरह से सफ़ेद होता है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। गिलोय की स्टेम यानी कि तने पर ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं, इससे भी आप पहचान सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान, जब आप गिलोय की ये जो स्टेम है इसे कट करेंगे तो इसकी सरफेस पर ऐसी फूल जैसी आकृति दिखेंगी, तो मानिए ये आपकी गिलोय ही है। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और एक पहचान है कि गिलोय के जो पौधे होते हैं इसमें से ऐसी एरियल रूट्स निकलते हैं जो कि आपको स्ट्रिंग जैसी दिखती है, ये भी एक गिलोय की पहचान ही है। ये स्ट्रिंग आगे जाकर एक स्टेम में कन्वर्ट हो जाएंगी। गिलोय का पौधा आपको हर कहीं मिल जाएगा, बस आपको सिर्फ इसे पहचानना है। गिलोय का पौधा इसकी मैच्योर कटिंग से बहुत ही आसानी से उग जाती है। इसे आप किसी भी सॉइल में लगा सकते हो। इसमें से 6 से 7 दिन में नए पत्ते निकल आएंगे। दोस्तों, मैंने इस गिलोय की कटिंग को 1 महीने पहले ही लगाया था और आप देख सकते हैं 1 महीने के बाद इसमें से बहुत सारी नई पत्तियां निकल आई है और इसकी बेल भी ऊपर चढ़ रही है। दोस्तों, इस गिलोय का यूज़ हम कब कर सकते हैं, तो जब इसकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए, इसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हो। 2 से 3 महीने के बाद ये गिलोय प्रयोग के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, मैंने एक गिलोय की कटिंग को कुछ इस तरह से एक एंगल पर बांध दिया था। इसमें मैंने कोई भी सॉइल यूज़ नहीं की, फिर भी आप देख सकते हैं इसमें से नई बेलें निकल आई है। दोस्तों, शायद इसीलिए इस गिलोय के पौधे को अमृता कहते हैं, जो कभी भी नहीं मरता। नीम के पेड़ पर लगी हुई गिलोय उत्तम मानी जाती है। दोस्तों, इसके अनगिनत बेनिफिट्स है। गिलोय में रासायनिक गुण होते हैं जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती और बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता। गिलोय का काढ़ा, चूर्ण या फिर सत त्रिदोषनाशक है। इसके सेवन से वात, पित्त और कब्ज जैसे रोग दूर होते हैं। गिलोय के नियमित सेवन से हमारे अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, जिससे बुखार, सर्दी और कोरोना, डेंगू, न्यूमोनिया जैसे रोगों के सामने लड़ने में हमें मदद मिलती है। डायबिटीज जैसी महामारी में भी गिलोय का प्रयोग बहुत ही असरकारक है। और हाँ दोस्तों, चर्म रोग, खुजली या फिर सोराइसिस में भी गिलोय का प्रयोग बहुत ही फायदाकारक है। तो आप गिलोय को किसी भी रोग में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको गिलोय का प्रयोग हफ्ते में 2 बार जरूर करना चाहिए, चाहे आप काढ़ा, चूर्ण या फिर सत के स्वरूप में इसे ले सकते हो। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए ऐसी पतली स्टेम भी चलती है, लेकिन अगर आपको ऐसी मैच्योर स्टेम ब्राउन कलर की मिल जाए तो आपको यही यूज़ करनी है। सबसे पहले आपको इसके ऊपर का छिलका निकाल लेना है। छिलका निकालने से पहले गिलोय की स्टेम को आपको अच्छे से वॉश कर लेनी है। बाद में इसका छिलका कुछ इस तरह से निकाल लीजिए। दो व्यक्ति के लिए अगर आपको काढ़ा बनाना है तो आपको 6 इंच के ऐसे 2 स्टेम लेने हैं और इसके 2 इंच के छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं, कुछ इस तरह के। बाद में इन पीसेस को कुछ इस तरह से बीच में से आपको कट कर लेना है। गिलोय के इन सारे टुकड़ों को आपको किसी ऐसे इमाम दस्ते में कूट लेना है। जितना हो सके आप मिक्सर का यूज ना करें। इन गिलोय के टुकड़ों को आपको इस तरह से अच्छे से कूट लेना है।
कुटे हुए इन गिलोय के टुकड़ों को आपको किसी भी बर्तन में रख देना है और इसमें आपको, अगर आप दो व्यक्ति के लिए काढ़ा बना रहे हैं तो इसमें 4 कप जितना पानी लीजिए और इसे 12 घंटे तक किसी भी ढक्कन से ढककर आपको रख देना है। 12 घंटे के बाद यानी कि सुबह में इन गिलोय के टुकड़े वाले पानी को लो फ्लेम पर कुछ इस तरह से हमें उबाल लेना है। इसे तब तक उबालना है जब तक इसका जो पानी है वो आधा ना हो जाए। करीब आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये जो काढ़ा है वो आधा हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे हमें किसी भी अलग से कप में निकाल लेना है और जब ये ठंडा हो जाए तब हमें इसका सेवन करना है। जितना हो सके आप इसको सुबह में खाली पेट सेवन करें। और हाँ, अगर आपको रोग हो या फिर ना हो, आप हफ्ते में 2 बार इस गिलोय का काढ़े का प्रयोग जरूर करें। और दोस्तों, जो बचा हुआ गिलोय के टुकड़े हैं इसमें भी आपको थोड़ा सा पानी डालकर इसे 6 से 7 घंटे के बाद ऐसे ही पी लेना है। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ मेरी ये गिलोय के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।